अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। नाज़रीन, अपनी मुनफरिद राय और बेबाकी के लिए मुतारफ मुमताज आलिम दीन और इस्लामी स्कॉलर मौलाना सलमान नदवी साहब ने देवबंद असेंबली सीट पर खानवादा मदनी के चश्म चराग मौलाना उमर मदनी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उम्मीदवार मुंतखब करने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इकदाम के सराहने करते हुए वाज़ेह तौर पर अपील की है कि खुद मदनी खानवादा और सेकुलर मिजाज के हामिल अफराद को चाहिए कि वह देवबंद जैसी तारीखी सीट पर नौजवान उमर मदनी को मुत्तहिदा तौर पर कामयाब बनाए। गौर तलब है कि समाजवादी पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीडरशिप और अकलियती तबके की नुमाइंदगी के लिए सख्त नाला है और सियासी उमूर के माहिर मौलाना सलमान नदवी साहब ने कहा कि रवायात को तोड़कर नौजवान को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इन्होंने देवबंद असेंबली सीट पर समाजवादी पार्टी की जानिब से मुस्लिम राय दहिंदगान का मजबूत और फैसला कुन तादाद को नजरअंदाज करने पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए अहले देवबंद और सेकुलर बिरादरान वतन को चाहिए कि मजलिस के उम्मीदवार मौलाना उमर मदनी का खुल कर साथ दे। उस दौरान मौलाना सलमान नदवी साहब ने कई साल कबल रामलीला मैदान में लाखों के मजमे की तायद के साथ जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफार्म से तश्कील करदा सियासी प्लेटफार्म का जिक्र खैर करते हुए कहा कि अब जब के आइंदे असेंबली इंतखाबात के पेश नजर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब ने खानवादा मदनी के नौजवान को उम्मीदवार बनाया है, लिहाजा सेकुलर और देवबंद के दानिश्वर तबका को इस नौजवान की भरपूर हिमायत और तायद करते हुए ऐवान असेंबली पहुंचाए ताकि ये नौजवान ऐवान असेंबली में हमारे मसाइल को मजबूती के साथ उठाए। नाजरीन, आपको बताते चले कि मौलाना सलमान नदवी साहब की सोशल मीडिया पर वायरल तायद और हिमायत वाला बयान नशर होते ही सेकुलर और दानिश्वर तबके समेत खास तौर पर जदीद नौजवानों में मौलाना सलमान नदवी साहब की इस बसीरत पर मबनी अपील को जमकर सराहना की जा रही है और मौलाना सलमान नदवी साहब की तारीफ की जा रही है। नाजरीन, आपको बतला दे के देवबंद असेंबली नशिस दारुल उलूम देवबंद और यहाँ के अकाबरीन की मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार की बुनियाद पर अहमियत का हामिल तस्वर किया जा रहा है। नाजरीन, आप मौलाना सलमान नदवी साहब की इस बयान को और इस तायद को किस नज़र से देखते हैं, जरूर कमेंट में शेयर करें। शुक्रिया, वस्सलाम।